सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। आज का पंचांग 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 8:22 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 5:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:23 से 10:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 11:23 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 3:32 से लेकर 5:35 तक रहेगा और तीसरा शुभ मुहूर्त 5:35 से लेकर 6:01 तक रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहां पर जल्दी प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वृषभ राशि 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार। निडर बने और दिमाग से काम लें। आपके करीबी साथी आपको सुनने के लिए तैयार हैं। अनुबंध या व्यापारिक मीटिंग के रूप में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। घर पर उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण और पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रेम और गर्मजोशी के कारण आज आपका दिन और भी खास होगा। रोमांस और मनोरंजन के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे। अधिक काम करने से बचें और कुछ वक्त खुद के लिए निकालें। आत्मविश्वास से आप गगन चूम सकते हैं किंतु आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धि भी आपकी पकड़ से परे है। मुश्किल समय में किसी अनुभवी का मार्गदर्शन मिलना वरदान साबित होगा। कोई भी कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूरी रूपरेखा बना लें, इससे आप नुकसान होने से बचेंगे। बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से चिंता दूर होगी। परिस्थिति की सकारात्मकता पर ध्यान देते हुए आप अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखें। लोगों के साथ जुड़े रहने से कठिन बातों को सुलझाना संभव होगा। पुराने झगड़ों को सुलझाना या किसी व्यक्ति के साथ के संबंधों को सुधार पाएंगे। एक दूसरे के विचारों को ठीक से समझने से कठिनाइयों को आसानी से हल कर पाएंगे। काम में मिल रही प्रगति पर ध्यान देते रहें। इसके जरिए नई जिम्मेदारी स्वीकार करना आपके लिए आसान होगा। पार्टनर्स में आकर्षण बना रहेगा। इन्फेक्शन से संबंधित तकलीफ होने की भी संभावना है। सावधानियां, अत्यधिक कार्यभार की वजह से आप अपने कार्यों को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगी। बेहतर होगा कि अपने काम के अधिकता को घर के अन्य सदस्यों के साथ बांट लें। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य संबंधों में आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। इनका खुलासा होने से आपकी मानहानि की आशंका है। संचार के माध्यम से आप अपने साथी को अपने करीब पाएंगे, जैसे उसे प्यार भरा मैसेज भेजकर। इस सुनहरे अवसर को हाथों से जाने न दें। धन का घाटा होने की स्थिति में अपने खर्चों को नियंत्रित करें। कामदेव आज आप पर मेहरबान है और आपको अपना कोई खास बहुत ही जल्दी मिलने वाला है।
प्यार, जुनून और रास आज आपकी कार्ड्स में है। आप अपने साथी की ओर आकर्षित हो रही हैं। लोग आपसे बहुत उम्मीद रखेंगे, इसीलिए आप खुद ही पहल करें। बात करते हैं करियर की। इस समय आप किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए अपनी भावना पर काबू रखकर आप अपने साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने कौशल का संचार करने से पीछे न हटे। अपने शौक जैसे फोटोग्राफी, संगीत या नृत्य को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बने। आज के दिन आपके लिए किसी झूले की तरह है। परिवर्तनों को स्वीकार करें। अपने पार्टनर या साथी को ना भूलें। अच्छा सोचना बढ़िया है, किंतु अच्छा करना बेहतरी से कम नहीं। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में आपको इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। मीडिया, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर बनेंगे। टैक्स से संबंधित काम उलझ सकता है, इसीलिए सावधान रहें। बात करते हैं सेहत की। खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां रह सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन अधिक करें। इन्फेक्शन से संबंधित तकलीफ की भी संभावना है। आज के उपाय। आज भगवान कृष्ण जी की पूजा करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।